फ्रेंड्स, मैं हूं सिम बबर और आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। आज मैं आपको बताने वाली हूं कोरोना वायरस के 10 मिथ। जैसे कि ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो जिससे भी आप बात कर रहे हैं सब आपको कुछ उल्टे सीधे नुस्खे बता रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें बता रहे हैं जो आपके दिमाग में बैठ गई हैं और आपको ऑलरेडी बीमार फील होने लग गया है। कोरोना वायरस का एक और चोचला है कि आपको मास्क लगा के घूमना है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा खांसते रहते हैं, जिन्हें कफ कोल्ड फीवर है, सिर्फ उनको मास्क लगाना ज़रूरी है ताकि उनका जो मॉलिक्यूल्स है वो एयर पार्टिकल्स में जाके दूसरे इंसान को इफेक्ट ना करें। और जो बीमार नहीं है वो मास्क लगा के नहीं घूमें। ऐसी ही और चीज़ें हैं हमारे मिथ्स के बारे में। और कोरोना वायरस की एक और चीज़ है कि जैसे अभी बोल रहे हैं कि गर्मी आएगी तो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, सर्दी आएगी तो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, गर्म पानी से नहा लो तो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ से, उल्टी सीधी चीज़ों से ऐसे लग रहा है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। इसका हमें सोल्यूशन अभी तक तो मिला नहीं। चाइना वाले भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, भारत वाले भी लगे ही हुए हैं इसके पीछे कि कोरोना वायरस का कुछ तो सोल्यूशन निकले जिससे हम इस खतरनाक बीमारी को दूर कर सकें। जैसे पहले इबोला आया था, फिर कैंसर आया, अब कोरोना वायरस आ गया है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ ना कुछ नई बीमारी तो आती जाती ही रहती है जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और एक और चीज़ है जो एक थॉट आया था कि अगर कोरोना वायरस होना ही था तो पहले क्यों नहीं हुआ। चाइना वाले तो बहुत टाइम से मीट, मस्सी, माछ, कॉकरोच सब खा रहे थे, पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों आया है। इसका पॉपुलेशन से क्या लेना देना है, इसका गवर्नमेंट से क्या लेना देना है, इसका लोगों से क्या लेना देना है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बीमारी के पीछे कुछ और भी राज हैं या फिर कुछ नहीं है ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल आपको मैं 10 मिथ्स दिखा रही हूँ जो कोरोना वायरस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जैसे कि खाने में क्या खाना चाहिए, कौन से पानी से नहाना चाहिए, आपको कौन सा पानी पीना चाहिए और आपको किस तरह के कपड़े भी पहनने चाहिए या फिर कौन से अप्लायंसेस यूज़ करने चाहिए। ये सारी चीज़ें मिथ्स मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली अफवाह कि हेयर ड्रायर से मरते हैं कोरोना वायरस। जी नहीं, हेयर ड्रायर से सिर्फ आपके बाल सूखते हैं, कोरोना वायरस नहीं मरते। और दूसरी अफवाह कि बहुत तेज गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाते हैं। कोरोना वायरस ख़त्म हो या ना हो, लेकिन आपका शरीर ज़रूर जल जाएगा। थर्ड कि अगर बहुत तेज़ ठंड आ जाए तो उससे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। कोरोना वायरस तो ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस को तो कुछ होएगा ही नहीं, पर आपका शरीर ज़रूर ठिठुर जाएगा। और चौथी एंटीबायोटिक, अगर हम एंटीबायोटिक ले लेंगे तो उससे वायरस ख़त्म हो जाएगा। आप एंटीबायोटिक से समझते क्या है कि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है, और बैक्टीरिया और वायरस बहुत अलग अलग चीज़ होती है, तो इस अफवाह से दूर रहे कि एंटीबायोटिक से वायरस ख़त्म होता है। और फिफ्थ जो है कि सलाइन वाटर, कि आप अपने नाक में बार बार सलाइन वाटर डालते रहेंगे तो उससे आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। जी नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि आप बार बार सलाइन वाटर अपने नाक में डालते रहेंगे तो उससे आपकी नाक जाम हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। सिक्स, अगर आप बहुत सारे लहसुन खाएंगे तो उससे भी आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। सुन, अफवाह में ये भी आ रहा है कि लहसुन खाने से कोरोना वायरस ख़त्म होता है। जी नहीं, अभी तक इसकी कोई पुष्टि तो नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं आया, तो अभी हम इसका कुछ नहीं कह सकते। पर ज़्यादा लहसुन खाने से कोरोना वायरस ख़त्म होना कोई लॉजिक नहीं बनता। सेवन कि आप अगर अपने पेट डॉग, अपने पेट एनिमल को टच करेंगे तो उससे भी आपको कोरोना वायरस फैलेगा। जी नहीं, आप ऐसी नाइंसाफी अपने पेट डॉग या पेट एनिमल के साथ ना करें, क्योंकि उनको टच करने से कोई कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है। और एट थिंग सो कि आप कोई भी सामान खरीद के ला रहे हैं तो उसको जैसे ही ओपन करेंगे उसमें से कोरोना वायरस निकल के आएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ ही होगा, तो आप आराम से टच करिए, इन अफवाहों से दूर रहिए। और नाइन्थ कि किसी मच्छर के काटने से, कि अगर आपको मच्छर ने काट लिया तो उससे आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। जी नहीं, अब तक ऐसे किसी भी मच्छर के बारे में, मॉस्किटो के बारे में सुनने में नहीं आया, तो ऐसी भी अफवाहों से दूर रहिए। और लास्ट अफवाह कि सिर्फ ये कोरोना वायरस बुज़ुर्गों को हो रहा है। जी नहीं, ये बुज़ुर्गों को नहीं, किसी भी उम्र के किसी भी लोगों को हो रहा है, तो इस अफवाह से भी दूर रहे कि ये सिर्फ बुजुर्गों को हो रहा है। कोरोना वायरस की और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल देश ऑनलाइन। और अगर आपको ऐसे और कुछ नुस्खे, मिथ्स या फिर कोई और अफवाहें मिल रही हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बीमारी ऐसे फैली हुई है कि इसके रूमर्स भी उससे ज़्यादा तेज़ फैल रहे हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग देश ऑनलाइन एंड देखते रहिए हमारी ऐसी और वीडियोज। देश ऑनलाइन, पल्स ऑफ पीपल, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियोस से।